So guys, अगर आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर डेफिनेटली एक बार मुझे बताइए चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए कि आपको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है है ना चलिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इस सेशन को <coughs> पहले एक बार कंफर्म तो कर दीजिए लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा है क्या बात है सब कुछ क्लियर है यू आर ऑल सर ओके थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइड जो लोग मुझे कंग्रेचुलेश बोल रहे हैं आज 8 पीएम हमारी मुलाकात होगी उस वाली पार्टी में वाली जो पार्टी है आपकी तो उसमें हम लोग मिलेंगे कितने बजे 8 पीएम मिलेंगे हम लोग है ना चलिए बाकी अभी के लिए ठीक है थोड़ा सा मैं कैमरे को सही करने की कोशिश कर रहा था यस uh, ओके yes. okay. तो चलिए शुरू करें इस सेशन को और आज की क्लास में हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या सो so, हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज बाय अ पोयम बाय डब्ल्यू बी एट्स विलियम बटलर येट्स की एक पोयम को पढ़ेंगे अन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है गाइस कि मैं अन अकेडमी पर लाइव पढ़ाता हूं यू कैन ज्वाइन माई कोर्सेस ऑन अन अकेडमी पेड और फ्री दोनों टाइप की गाइस क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए अन अकेडमी लर्निंग एप पर सो देन वॉट यू हैव टू डू जस्ट आपको करना क्या है डाउनलोड अन अकेडमी द लर्निंग एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यूज कोड राजवीर लाइव टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म और अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हैं सो देन वॉट यू विल गेट ऑन पेड कोर्सेज सो देन इन पेड कोर्सेज यू विल गेट लाइव क्लासेस फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया फॉर बोथ पेपर पेपर वन एंड एज वेल एज पेपर टू इंटरक्टिव लाइव क्लासेस यू कैन इंटरक्ट ऑन लाइव टाइम गाइज आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं इंटरैक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हो सो so देन आप उन्हें सॉल्व करवा सकते हैं

और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं सो so देखिए ये सारी चीजें तो आपके लिए कॉमन हो जाएंगी यू विल गेट वन टू वन मेंटरशिप लाइव डाउट सॉल्विंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एज वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू लाइक इंटरव्यू ऑफ पी और इंटरव्यू ऑफ एनी अदर एग्जाम और इट मे बी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड ऑल सो देन यू कैन ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ओके यस यू कैन ज्वाइन अस ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सो लेट्स बिगिन शुरू करते हैं हम लोग और थोड़ा सा ये देख देख सकते हैं गाइज दीज आर द चार्जेस फॉर पेड कोर्सेस दीज आर द चार्जेस फॉर पेड कोर्सेस लाइक प्लस और आइकॉनिक और अगर आप यूज करेंगे कोड राजवीर लाएव, राजवीर लाइव लाइव सो देन गाइज आपको मिलेगा टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन योर कोर्स सारी बातें हो गई ना फिनिश हाई एवरी वन हैलो हाई हैलो हाई लेट्स बिगिन गाइज तो देखिए क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं विलियम बटलर येट्स के बारे में डब्ल्यू बी एड्स डब्ल्यू बी एड्स का पूरा नाम क्या है सो डब्ल्यू बी एड्स का जो पूरा नाम है दैट इज विलियम बटलर येट्स विलियम बटलर येट्स जब वाई ई ए टी एस विलियम बटलर येट्स और कहां से थे गाइज ये तो ये एक आयरिश पोएट थे आयरिश पोएट ही वॉज एन आयरिश पोएट आयरलैंड से थे गाइस और किसके लिए जाने जाते हैं हिज वेल नोन पोएम्स वेल नोन वेल नोन पोएम्स सेकेंड कमिंग जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं लेक आइल्स ऑफ इनस्फ्री फ्री सेलिंग टू बाइजेंटियम बाइजेंटियम पोएम द टॉवर अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स सो गाइज इनका जो बर्थ है वो आयरलैंड में हुआ था और सबसे बड़ी इनकी जिंदगी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ही वॉज इन लव विद अडी नेम्ड मॉट गॉन यू नो बहुत ही ज्यादा इनको गॉन से प्यार हो गया था इन लव विद मॉडगॉन बट मॉट मॉट गॉन वॉज द लेडी उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए शादी तो तुमसे नहीं होगी एंड डब्ल्यू बी एड सी वॉज सो मच डिटरमाइंड गोइंग टू ओनली डू मैरिज विद यू नहीं तो जिंदगी भर मैं कमारा नजर आऊंगा है ना यस yes, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कमारा नजर आऊंगा या तो फिर शादी है ना ज रियली वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट गाइज आप समझ ही रहे होंगे है ना बिल्कुल सो मॉट गॉन so, ने कभी इनसे शादी नहीं की सी गॉट मैरिड विद समन एल्स देर वॉज अ मैन नेम्ड जॉन मैक ब्राइड जॉन मैक ब्राइड तो इनसे इन्होंने शादी कर लिया था जॉन मैक ब्राइड के साथ ओके बट डब्ल्यू बी एट्स पीछा नहीं छोड़ने वाले थे डब्ल्यू बी एट्स ने इवन यू नो मॉट गॉन की बेटी को भी प्रपोज कर डाला था ही was सो मच इन लव की मॉट गॉन की बिटिया जो थी द गर्ल द गर्ल चाइल्ड आई वुड लाइक टू से डॉटर जो डॉटर थी तो उसको भी प्रपोज कर दिया था डब्ल्यू बी एड्स ने मैं तेरे प्यार में पागल लाइक like दिस है ना अब तो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको कि क्या बात है एंड डू नॉट forget guys, ही रिसीव्ड Nobel प्राइज ऑफ लिटरेचर Nobel प्राइज इन लिटरेचर एंड यू ऑल आर फैमिलियर विद राविंद्रनाथ टैगोर जानते होंगे ना रविंद्रनाथ टैगोर को सो राविंद्रनाथ टैगोर ही रोट गीतांजलि है ना गीतांजलि राविंद्रनाथ टैगोर ही रोट गीतांजलि थैंक यू सो मच रतन प्रताप सिंह सो इन्होंने क्या लिखा था गीतांजलि और गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा था प्रीफेस ऑफ गीतांजलि दैट वॉज रिटर्न बाई डब्ल्यू बी एट्स डब्ल्यू बी एट्स ने उसका लिखा था और आपको पता होना चाहिए कि राविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबल प्राइज मिला एंड डब्ल्यू बी एड्स को इनके कलेक्टिवली वर्स के लिए कंप्लीट कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला भाई दो इनकी जो रियल वाइफ थी उनका नाम था जॉर्जियाना हैडलीस ये नाम था इनकी रियल वाइफ थी बाद में इन्होंने शादी किया था ठीक है भाई क्या हुआ मॉट गॉन ने नहीं पसंद किया तो क्या हुआ क्या शादी नहीं करेंगे क्या बोले शादी करेंगे और शादी किया जॉर्जियाना हैडली के साथ डब्लू बी एड्स जो आपके एग्जाम में आता है ऑन यूजी सिनेट एग्जाम एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया करता है मैं आपको बता देता हूं आपने सुना होगा कभी ना कभी आयरिश रेनेसा आयरिश रेनेशा या फिर आपने ऐसे सुना होगा आयरिश लिटरेरी मूवमेंट आपने ऐसे सुना होगा अगर आयरिश रेनेशा नहीं सुना तो आपने ऐसे सुना होगा आयरिश लिटरेरी मूवमेंट सो ही वॉज एसोसिएटेड विद आयरिश रेनेशा और आयरिश लिटरेरी मूवमेंट ये इसके साथ एसोसिएटेड थे आयरिश रेनेसा और आयरिश लिटरेरी मूवमेंट और जो डब्ल्यू बी एड्स का एसोसिएशन था मैं आपको बता दूंगा जो डब्ल्यू बी एड्स का एसोसिएशन था तो एक और एसोसिएशन था बहुत ही बढ़िया जो आपको याद रखना चाहिए एबी थिएटर के साथ गाइस आयरिश रेनेसा एंड इसे हम लोग ऐसे थोड़ा सा समझेंगे प्लीज आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट के साथ भी एसोसिएटेड थे आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट है ना यस आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट और एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था राइमर्स क्लब याद आया आपको किसी को आर एच वाई एम ई आर एस राइमर्स क्लब अगर याद आया हो तो बताइएगा राइमर्स क्लब एक आया था ना क्वेश्चन राइमर्स क्लब को लेकर के सो so, राइमर्स क्लब आयरिस ड्रामेटिक मूवमेंट या एबी थिएटर का नाम आएगा एबी थिएटर इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल थिएटर एबी थिएटर इट वाज वन ऑफ द वंडरफुल थिएटर एबी थिएटर जो था कहां पर था सो so, ये डबलिन में था डबलिन आयरलैंड की जो कैपिटल है

तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको जानना पढ़ना बहुत जरूरी होगा लाइक आयरिस ड्रोमैटिक मूवमेंट राइमर्स क्लब एंड एबी थिएटर एंड हाउ डब्ल्यू बी एट्स एसोसिएटेड आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं ओके okay? डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं अच्छा एक चीज किसी ने मुझे ये नहीं बताया अभी तक कमेंट बॉक्स में लिखा तो बहुत सारा सबने किसी ने लिखा नहीं है गाइज है ना यस yes. और यहीं से आर एस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सोनम सिंह करेक्ट एंड यू नो गाइज की मैंने ये नहीं बताया आपको कि किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला हे बडीज प्लीज ऑन कमेंट बॉक्स दिस इज द राइट टाइम कि जब आप मुझे बताएंगे व्हेन ही रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर डब्ल्यू बी एच को नोबेल प्राइज लिटरेचर का कब मिला किस ईयर में मिला ये आप मुझे फटाफट कंफर्म करेंगे विदाउट एनी डिले क्योंकि मैं आगे चलने वाला हूं और आगे पोयम पढ़ाऊंगा देखिए जब भी किसी वर्क के बारे में पढ़ते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अबाउट द पोएट और अबाउट द ऑथर पढ़ना होता है तो ये कहलाता है आपका अबाउट द पोएट एंड लेटर ऑन फिर पढ़ेंगे अबाउट द पोयम ये पोएट है मैंने ऊपर पोएम लिख दिया क्या अबाउट दी पोएट पहले पढ़ेंगे फिर लिख पढ़ेंगे हम लोग पोयम के बारे में देन पोयम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन है ना इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे पढ़ा जाता दिस इज द राइट वे जब भी हम पढ़ते हैं तो ये हमारी पढ़ाई का तरीका होना चाहिए यस yes, 1923 अच्छा सोनम ठीक है कोई बात नहीं माफ कीजिएगा देवी मैंने ध्यान नहीं दिया चर ही रिसीव्ड इन दर नाइनटीन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ही रिसीव्ड नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर कलेक्टिव वर्क के लिए मिला था किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए नहीं रिसीव्ड नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर फॉर हिस्स कलेक्टिव वर्क मतलब बहुत ज्यादा जो कलेक्शन वाले इनके बर वर्क थे कंप्लीट वर्क के लिए मिला राइट टाइम एंड लेट्स के बारे में हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे देखिए जब भी मेरी क्लास में आया कीजिए तो एक आपसे मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है या तो मेरी क्लास में आया कीजिए तो देखा कीजिए ध्यान से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें बट प्लीज ध्यान से देखा करें या तो क्लास में आए या तो ना आए और अगर आए तो ढंग से देखें ध्यान से बिकॉज देखिए आप लोगों को समझ नहीं होती वेयर द एग्जाम पॉइंट इज और मैं वो एग्जाम पॉइंट आपके लिए सारे लेकर के आता हूं पढ़ते आप बहुत लोगों से हैं बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं आपके बट एग्जैक्ट पॉइंट दिस इज यू नो गाइज द आर्ट ऑफ टीचिंग कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए ऑल द एग्जाम पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते हो ठीक है ये मेरा बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि या तो क्लास में आइए या तो फिर ना आइए और अगर आइए तो बहुत अच्छे से देखिए मतलब वंडर मत कीजिए कि कभी यहां तो कभी कूद करके वहां सेकेंड कमिंग यू ऑल आर फैमिलियर इसे लिखा है डब्ल्यू बी एड्स ने यह बात तो हंड्रेड परसेंट सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट द ईयर इज नाइनटीन नाइनटीन कब लिखी गई थी सेकेंड कमिंग बाई डब्ल्यू बी एड्स डब्ल्यू बी एट सेकेंड कमिंग नाइनटीन नाइनटीन के टाइम पीरियड में ठीक 1919. अब इस ईयर को कुछ ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग दिस इज द सेम जलियाबाल जलियावाला बाग हत्याकांड दैट टेक्स प्लेस द सेम ईयर वेन जलियावाला बाग हत्याकांड प्लेस एंड ऑन द सेम ईयर राबिंद्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या कहा था एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ सर है ना दिस इज द टाइम पीरियड कि जब इस पोएम को कंपोज किया गया कंपोजिशन का टाइम पीरियड जो है यह है कि डब्ल्यू बी एच ने इस टाइम पीरियड में इस पोयम को कंपोज किया कंपोजिशन मीन्स राइटिंग पीरियड एंड फर्स्ट टाइम इट वॉज प्रिंटेड इन अ कलेक्शन नेम्ड दी डायल डायल से कुछ याद आ रहा है इट वॉज फर्स्ट टाइम प्रिंटेड इन द डायल इन नवंबर नाइनटीन ट्वेंटी उन्नीस में लिखी गई बीस में यह प्रिंट हुई गाइस एन लेटर ऑन इट वॉज इंक्लूडेड इन अ कलेक्शन ऑफ डब्ल्यू बी एस देखिए डायल इट्स अ मैगजीन डायल इट्स अ मैगजीन और मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इवन की अगर आज आप पोएट पोइट्री एंड ऑल लिखते होंगे इन इंडिया गाइज तो ज्यादातर जो पोइट्रीज एंड ऑल होती है ना वो मैगजीन में पब्लिश होती है सो फर्स्ट टाइम नाइनटीन ट्वेंटी इट वॉज पब्लिस्ड इन द डायल ये डायल जो है ना ये एक अमेरिकन मैगजीन है गाइज है ना इट्स एन अमेरिकन मैगजीन अगर आपको पता हो तो अब आप पूछेंगे कि कैसे ये वही डायल है यू नो गाइज़ जहां पर डब्ल्यू बी टी एस एलियट का नाम आता है द डायल में याद आया डायल एंड क्राइटेरियन, द वेस्टलैंड अगर याद नहीं आया तो थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ भाई यस द सेम डायल इसी में यह पब्लिस्ड हुई थी क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ना दिस इज द प्रॉब्लम ओके 1921 इट वाज इट वाज पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन ऑफ डब्ल्यू बी एड्स ये देखिए 21 है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर ये एक कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है विलियम बटलर एड्स का कलेक्शन आया था जो 21 में पब्लिश हुआ कंपोज इन नाइनटीन नाइनटीन फर्स्ट टाइम पब्लिश इन द डायल इन year नाइनटीन ट्वेंटी देन लेटर ऑन इट वॉज इंक्लूडेड इन अ कलेक्शन ऑफ by बाई विलियम बटलर येट्स एंड द नेम ऑफ द कलेक्शन Roberts रॉबर्ट्स एंड Dancer." इतनी बात सभी को क्लियर है प्रसन्नता से याद कीजिए खुशी से याद कीजिए ठीक है ना यस yes, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए क्लास बस देखना कुछ नहीं होता ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटिंग रिलेशन और लॉन्गर टाइम तक याद रखना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक और आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया हाँ क्वेश्चन आता है कि चिनुआ एच बी गाइड चिनुआ एच बी अ फेमस फिगर और फेमस फिगर किसके लिए थे अफ्रीकन ट्रिलॉजी अफ्रीकन ट्रिलॉजी का यस अफ्रीकन ट्रिलॉजी अगर आपको याद आ रहा हो अफ्रीकन ट्रिलॉजी उसका नाम है एन टी ए याद आया किसी को अफ्रीकन ट्रिलॉजी दैट इज नोन एज एन टी ए वॉट इट अफ्रीकन ट्रिलॉजी दैट इज नोन एज एन टी ए अगर आपको एनटीए से मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा तो ठीक है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई आई कान डू एनी थिंग है ना अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सो देन आई कान डू एनी थिंग करेक्ट यस आई कान डू एनी थिंग सो कान डू सो कान डू है ना कोई बात नहीं आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा और समझते गए कोशिश करते हैं सो चिनवा एच बी ने एक वर्क लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 का है

अब समझ रहे होंगे आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं अगर समझ रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है नहीं समझ रहे हैं तो और भी बढ़िया है सो चिनुआ एच बीज नॉवल द टाइटल इट टेक्स फ्रॉम वेयर थिंग्स फॉल अपार्ट सो थिंग्स फॉल अपार्ट सेकेंड कमिंग से टाइटल लिया गया है एक लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर अनार्की लूज अपॉन द वर्ल्ड ठीक है यस yes. अच्छा एक चीज बताइए ये पोयम लिखने के पीछे परपज क्या है देखिए लिखने के पीछे यू नो पर आपको बहुत क्लियरली कम समझ में आएगा द पोयम इन द आफ्टर मैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ऑफ द आयरिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन जनवरी 1919 एंड दैट फॉलोड द ईस्टर राइजिंग इन अप्रैल 1916 एट अ टाइम बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड द ब्लैक एंड टू आयरलैंड भाई दो पोयम है ना तो इस पोएम में एक टाइटल आया था जो रियल टाइटल था जब डब्ल्यू बी एट्स ने इस पोयम को लिखा वेन ही कंपोज इट तो उन्होंने सेकेंड कमिंग ये टाइटल नहीं यूज किया था दिस पर्टिकुलर टाइटल वॉज नॉट यूज बाई विलियम बटलर येट्स टाइटल यूज बाई विलियम बटलर एट्स इज द सेकेंड बर्थ दूसरा जन्म दिस इज द टाइटल दैट वॉज यूज बाई विलियम बटलर एट्स इसे डब्ल्यू बी एट्स ने यूज किया था ठीक है द सेकेंड बर्थ दिस वन पर्टिकुलर टाइटल वॉज यूज समझ गया दिस वन पर्टिकुलर टाइटल वॉज यूज लेटर ऑन गाइज नो की जब इस पोएम की पब्लिकेशन एंड ऑल हुई तो फिर इसमें चेंजेस किए गए एंड इट वॉज टाइटल्ड एज सेकेंड कमिंग इन स्टीड ऑफ सेकेंड बर्थ इतना क्लियर है तो आपको याद रखना है कि डब्ल्यू बी एड्स की यह पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है चिनुआ एच बी ने इससे टाइटल लिया है इट वॉज पब्लिश इन द डायल लेटर ऑन लेटर ऑन इट वॉज Collected in Missel Roberts and the dancer, composed in the year 1919 and then first time it was printed in the year 1920 in the Dial and in 1921 it was published in a collection. इतनी सारी बातें आपको याद हो गई और अब हम लोग आगे चलेंगे। ये guys आपकी पोइम यहाँ से स्टार्ट होती है। This is the original text, यानी कि पोइम की, ठीक है ना? यस yes. अब हम लोग समझते हैं आगे की क्या क्या बातें हैं कि आगे वाली बातों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे देखिए डब्ल्यू बी एड्स की जो सेकेंड कमिंग है क्या क्या बातें करती बिगिनिंग शुरू शुरू कर लेते हैं हम लोग पोयम का और यहां पर गई नो एक इमेज भी यूज की गई है उसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन सो so प्लीज एक बार अगर आप लोग एक बार अगर आप लोग लाइक कर दें सेशन को तो थोड़ा एनर्जी और मिल जाएगी मुझे टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैन नॉट द फाल्कनर ये जो जायर यहां पर आया है जायर इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे जायर जो यहां पर है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और जायर क्या होता है तो कुछ इस टाइप का सेप होता है किस टाइप का सेप होता है कुछ इस टाइप का ये मानिए कि ये इसका ऐसा और ऐसे होकर के बढ़ता चला जाएगा नीचे की तरफ ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ये नीचे की तरफ ऐसे ये गाइज आपका जायर है जैसे यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे है ना यस Yeah. ये जो देख पा रहे हैं ये जायर का ये इस टाइप से बना हुआ है ये इस टाइप से यस टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर जब आप एक बात समझिएगा कि जो फाल्कन है यहां पर वो एक बर्ड है ये फाल्कन आप देख रहे हैं ये एक बर्ड है और बर्ड कैसी है शिकार करने वाली बर्ड है जो प्री की सर्च में रहती है प्री की सर्च में मैं अपने अपने शिकार के सर्च में रहती कि भाई मेरा शिकार मिले और मैं उसे निपटा दू सो टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर जो ये फाल्कन है तो मतलब ये समझिए कि जैसे ऐसे होता है कि जैसे नीचे से उड़ी ये दोनों टाइप के सिंबल यहां पर बने हुए हैं ऐसे एंड ऑन द सेम वे ये माना गया कि चाहे इसे आप गॉड मान लीजिए और ये यहां पर ह्यूमन बीइंग हो गए या फिर ये मानिए कि जो इस फालकन का फाल्कनर है मतलब इसका इसकी देखभाल करने वाला ऑनर मालिक गाइस है ना तो अब इसको समझिए थोड़ा सा टर्निंग एंड टर्निंग इन द द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर कि जब ये बर्ड जो है टर्न करते करते जब ऐसे ऊपर निकल जाती है सो देन द बर्ड कैन नॉट हियर हिज मास्टर और हर मास्टर हिज और हर मास्टर मतलब अपने मास्टर की एक भी नहीं सुन सकती ये ऐसे ही है कि जैसे हम लोग दुनियादारी में इतने मशगूल हो गए कि हम लोग भूल गए अपने मालिक को एंड हुर मालिक गॉड बाय द इंडिकेशन ऐसा लगता है कि शायद गॉड की तरफ है थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड तो जब हम लोग अपने बेस से दूर चले गए अपनी जड़ों से दूर धीरे धीरे जाते गए मेटेरियलिस्टिक लाइफ में और जैसे ये बर्ड है या फिर यहां से उड़ करके ऊपर ये उड़ने लगी और उड़ने लगी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जब उड़ने लगी सो देन थिंग्स फॉल अपार्ट जो चीजें हैं वो तितर बितर हो जाती हैं, जो चीजें हैं वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाती थिंग्स फॉल apart. द सेंटर cannot नॉट और जो सेंटर है सेंटर क्या है वही जो रेगुलेट करता है दैट कैन नॉट होल्ड उसकी जो गैस उससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं जैसे ये फाल्कन अपने मालिक यानी फाल्कनर के हाथों से ऐसे टर्न करते हुए निकल जाती है तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जब ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या होगा मैं आप सभी को बता दूंगा इस ठीक है तब ऐसे में क्या होने वाला है इस बात को सुनिए थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड मेयर अनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड और ऐसी सिचुएशन में होगा क्या मेयर अनारकी अनारकी मतलब अराजकता मेयर इज लूज अपॉन द वर्ल्ड चारों तरफ आपको अराजकता नजर आएगी है ना यस इट सर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है एक टॉपर के कहने पर तो इज देआर एनी इशू मेरी क्लासेस अगर आपने ज्वाइन की है किसी टॉपर के कहने पर सो so, आप ये समझ सकते हैं कि मैं उसके वैसा पढ़ाता हूं कोई दिक्कत है बताइएगा प्लीज मेयर अनारकी इज लूज अपॉन द वर्ल्ड केवल अराजकता फैल रही है कहां पर पूरी दुनिया में द ब्लड डिम्ड टाइड खून से भरे हुए टाइड उफाने जो हैं, वो खून से सनी हुई है इज लूज ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इमोशंस ज ड्रॉन और हर जगह अगर देखा जाए तो जो इनोसेंस है उनका क्या हो रहा है उनका खात्मा हो रहा है इज ड्रॉन डब्ल्यू बी एड कहना चाहते हैं द ब्लड टाइड इज लूज कि सिर्फ खून से भरा हुआ जैसे एक टाइड आता है वैसे ही दुनिया में अराजकता चल रही है एंड यू नो एवरीवेयर द सेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन और जहां पर भी इनोसेंस है उनका सीधे खात्मा किया जा रहा है द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज टर्निंग एंड टर्निंग ये इंपॉर्टेंट है टर्निंग एंड टर्निंग थिंग्स फॉल अपार्ट बहुत इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में आती है आपके द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन जो लोग अच्छे हैं दोज

दिन दुना और रात चौगुना जो बेकार लोग हैं जो अपराधी हैं गंदे हैं वो लोग दिन दुना और रात चौगुना बढ़ रहे हैं, है ना यस द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैसनेट इंटेंसिटी जो बुरे लोग हैं जो बेकार लोग हैं सो दे आर गेटिंग एवरीथिंग Guys, इस यहां पर इस स्टेंजा के बाद अब विलियम बटलर एड्स की यानी डब्ल्यू बी एड्स की जो इनका जो माइंड सेट है अब एक नई मीनिंग देने वाला है कुछ न्यू आपके लिए करने वाला है है ना बिल्कुल वाइल द वर्स्ट स्टार फुल ऑफ पैसनेट इंटेंसिटी ठीक है अब आगे थोड़ा सा समझिएगा इतना तो समझ में आया ना सभी को नी इशू इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम गाइस तो आप मुझे जल्दी से बताइएगा मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा और तब तक आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मैं पानी पी लू थोड़ा नो इशू ओके सो वा ग्रेट इतना अच्छा मैं पढ़ा देता हूं आपको कि एक ही बार में क्लियर हो जाता है भाई आ जाइए तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं देखिए गाइस द पोएट इज गोइंग टू चेंज द टोन है ना टोन चेंज करेंगे एंड नाउ पोएट व्हाट पोएट वांट टू से सर वो कहती है कि आपकी क्लासेस लेने के बाद एनी नोट्स एंड क्लासेस की नीड नहीं तो मुझे नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं आपकी क्लास इनफ है यस डेफिनेटली इनफ है क्यों नहीं मेरी इनफ है लेकिन एक बात आप बताइए आप लोग जब नोट्स या क्लासेस किसी की ले लेते हैं तो आप आलसी क्यों बन जाया करते हैं मान लीजिए जो मैंने पढ़ाया उससे एग्जाम में नहीं आया तब आप क्या करेंगे मान लीजिए जैसे मैंने मान लीजिए ये पढ़ाया एग्जाम में नहीं आ पाया यहां से तब आप क्या करेंगे देखिए आप लोग इस नई सदी के बच्चे हैं इक्कीसवीं सदी के समझदार बनिए हमेशा हमेशा यूटिलिटेरियन बनिए जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाया अगर दो चार सौ की कोई बुक खरीद लेंगे तो बदहजमी नहीं हो जाएगी पेट से वो निकल नहीं जाएगी ठीक है ज्ञान मिलेगा ज्ञान में हमेशा इन्वेस्ट करें क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे ज्यादातर यही सवाल करते हैं गुरु जी आपकी क्लास से पढ़ने के बाद फिर मुझे और कुछ नहीं करना है ना क्यों नहीं करना भाई जिंदगी में नौकरी आपको लेनी है जिंदगी अपनी बनानी है तो करना क्यों नहीं है हर दिन पढ़ना है हर दिन करना है हर दिन खुद से लड़ना है हर दिन बेहतर बनाना है खुद को अगर नहीं कर सकते तो तैयारी बंद कर दीजिए अगर हिम्मत नहीं है तो तैयारी बंद कर दीजिए बहाने मत मारिए कि हम तैयारी कर रहे हैं पढ़ना है तो मन से पढ़िए है ना समझ गया पढ़ना है तो मन से पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो किताब समेट के रखिए जो काम करना चाहते हैं वो काम कीजिए अपने घर वालों के पैसे को मत बर्बाद कीजिए ठीक पढ़िए इससे बस हो जाएगा इससे नहीं होगा मान लीजिए मैंने कह दिया इससे हो जाएगा नहीं होगा तब तो इसीलिए पढ़िए कभी कभी इसका इस्तेमाल कीजिए आइए बहुत हो गई बातें अब सुनिएगा मैं थोड़ा सा बोलने में कड़वा हूं मैं बोलने में थोड़ा सा कड़वा हूं श्योरली सम सम्स इज एट हैंड नाउ गईज विलियम बटलर येट्स ने अपनी टोन चेंज की कि इतना कुछ आतंक हो रहा है दुनिया बर्बाद हो रही है सब कुछ हो रहा है एंड यू नो वर्स्ट पीपल जो बहुत ज्यादा बेकार हैं, दे आर ग्रोइंग बाय डे एंड नाइट सो देन कहते हैं श्योरली सम सम्स इज एट हैंड इतनी बुराई फैलती देख करके इतना कुछ खून खराबा होते हुए देखकर विलियम बटलर येट्स कहना चाहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ तो होने वाला है सम रिवल्यूशन इज एट हैंड बहुत ही नजदीक है कुछ कुछ होने वाला है श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड और मैं कह सकता हूं कि यस सेकेंड कमिंग होने वाली है यानी कि एक बार पुनरागमन किसका उस दैवीय शक्ति का पुनरागमन होने वाला है गाइस है ना समझ रहे हैं आप मेरी बात को श्योरली समल्यूशन इज एट हैंड श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड वास्तव में सेकेंड कमिंग बहुत नजदीक है जो आपके विलियम बटलर येट्स हैं डब्लू बी एट्स उन्होंने अपनी ट्यून चेंज कर दी अब जैसे ही इनके दिमाग में एक नाम आया सेकेंड कमिंग जैसे इनके दिमाग में नाम आया द सेकेंड कमिंग अरे द सेकेंड कमिंग मतलब एक बार पुनर्जन्म होने वाला है हार्डली सेकेंड कमिंग ऐसे टाइप इनके मुंह से जो वर्ड्स हैं वो ऐसे निकल आए सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द बाहर निकले वे नउट ऑफ स्प्रिटस मुंडी और जैसे ही मेरी मुंह से ये आवाज निकली ये शब्द निकले मेरे माइंड में क्या आया वर्स्ट इमेज आउट ऑफ स्प्रिटस मुंडी एक बहुत बड़ी इमेज एक बहुत भयानक इमेज और कैसी इमेज ये मेरे पीछे आपको नजर आ रही है ये वाली इमेज कुछ यस वेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्प्रिटस मुंडी स्प्रिटस मुंडी होता है कि यह समझिए कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेजेस विभिन्न प्रकार की यूनोग you know जो इमेजेस होती है उनका है ना यस yes. उनका एक कलेक्शन सेकेंड कमिंग और यस yes. वर्स्ट इमेज आउट ऑफ स्प्रिटस मुंडी एक बड़ी सी इमेज निकल करके आई भयानक वाली इमेज ट्रबल्स माई साइड और जब मैंने इसे देखा तो मतलब मेरी आंखें जो है बिल्कुल लगी कि, अरे ये कैसी इमेज है ट्रबल्स माई शाइड समवेयर इन सैंड ऑफ द डिजर्ट और मुझे लगा कि कहीं किसी दूर रेगिस्तान में निर्जन स्थान में ट्रबल्स माई शाइड जिसने मतलब मेरी आंखें चौंधिया दी बिल्कुल मैं चौक गया समवेयर इन सैंड ऑफ द डिजर्ट लगा कहीं कि जैसे किसी रेगिस्तान में कोई इमेज भयानक वाली मुझे नजर आ रही है A shape with lion body. और मुझे जो सेप नजर आ रहा था दैट वॉज विद लायन बॉडी एक शेर का शरीर था एंड द हेड ऑफ मैन और ह्यूमन बींग का हेड लगा हुआ था यह भयानक इमेज मैंने देखी गॉट इट बहुत ही ज्यादा एक हॉरिबल इमेज मेरे सामने आ गई और मैंने उसे देखा अगेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन और उसकी आंखें इतनी तेज थी उनकी आंखों से निकलने वाला इतना जो इतनी तेज आंखों की रोशनी थी उसकी किसकी इस बीस्ट की जो मैंने देखा अ सेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन ह्यूमन बीइंग का हेड और फिर देखिए गेज ब्लैंक एंड और उसकी आंखों में इतनी ज्यादा तीक्ष्णता थी इतना ज्यादा गुस्सा ब्लैंक एंड पिटीलेस एस और इतनी ही निर्दयी थी कि जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य की किरणें होती है सूर्य की किरणें आपके कहने से कम नहीं हो सकती आपको गर्मी कम नहीं दे सकती ऐसी इमेज मुझे नजर आई एकदम से ंग इट्स स्लो था इट और मैंने देखा कि वो जो स्प्रिड थी तो वो धीरे धीरे हल्के हल्के कदम से ऐसे लग रहा था कि वो चल रही है मेरी तरफ चल करके आ रही है ये इमेज और देख सकते हैं गाइज ये इमेज आपको एक भयानक टाइप की इमेज नजर आ रही होगी और मैं आपको इस इमेज को थोड़ा और बड़ा करके अगर दिखाऊं तो मे बी की आपको थोड़ा बहुत तो मजा आ सकता है हल्का फुल्का ज्यादा तो नहीं भाई क्या हुआ इसका अरे भाई ये तो बड़ी ही नहीं हो रही है हाँ यस अब बड़ी हो जाएगी शायद बड़ी हो जाए अब चलिए कोई नहीं ये इमेज बड़ी नहीं होगी लेकिन ठीक है इमेज जितनी भी है बहुत ही अच्छी है सो so यस yes, ये वाली इमेज इनके सामने नजर आई फ्लो खराब कर दिया इस इमेज ने और यह बड़ी भी नहीं हुई है ना एक भयानक वाली इमेज इज मूविंग इट्स स्लो थाइज इसकी जो थाइज थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कैसे आगे बढ़ रही थी वाइल्ड ऑल अबाउट इट रियल सैडोज ऑफ द इंडिगनेंट डिजर्ट बर्ड्स डार्कनेस ड्रॉप अगेन और जब ये धीरे धीरे मार्च कर रही थी आगे के लिए बढ़ रही थी ये इमेज ऑल अबाउट इट रील सैडोज बहुत सारी परछाइयां थी बहुत सारी चील कओं की बर्ड्स की परछाइयां जो डिजर्ट में नजर आती हैं रील सैडोज ऑफ इंडिगनेंट डिजर्ट बर्ड्स डिजर्ट बर्ड जो मतलब जो डिजर्ट में जो बर्ड्स रहती हैं वो वाली द डार्कनेस ड्रॉप अगेन और उसके साथ ही अंधेरा भी चला आ रहा था मतलब इतनी भयानक बात एक इमेज आप कल्पना कीजिए कि एक ह्यूमन फेस के साथ एक शेर वाली बॉडी इस तरह के पंख और इस तरह की भयानक पूछ वाला अगर कोई ऐसा जानवर आपके सामने एकदम नजर आ जाए तो कैसा लगेगा द डार्कनेस ड्रॉप अगेन बट नाउ आई नो लेकिन मैं अब समझ चुका हूं विलियम बटलर येट्स कहना चाहते हैं बट नाउ आई नो दैट ट्वेंटी सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप कि बीस शताब्दी की उस भयंकर स्लीप के बाद दैट ट्वेंटी सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप बीस शताब्दियों की ट्वेंटी सेंचुरीज की उस स्टोनी स्लीप के बाद वर वेक्स टू नाइट मेयर बाई ए रॉकिंग क्रैडल तो ऐसे लगता है कि जैसे 20 शताब्दियों की नींद के बाद इस आत्मा को क्या कर दिया गया हो वैक्सड कर दिया गया हो परेशान कर दिया गया हो और एकदम से जगा दिया गया हो टू नाइट में एक भयानक दृश्य को दिखा करके बाई अ रॉकिंग क्रैडल कैसे कि जैसे ऐसे लगा हो कि जिस क्रैडल में ये ये बाई दो वे स्प्रिट ये सो रही होगी तो उसको हिला करके और इसकी नींद को तोड़ दिया गया होगा एंड वॉट बीस्ट और कितना भयानक ये, ये, ये कितना भयानक लग रहा है finally, वो समय आ गया है इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट और फाइनली वो समय आ गया है कौन सा वाला समय टूवर्ड्स द बेथल हेम टू बी बोर्ड और ये स्प्रिट धीरे धीरे धीरे-धीरे बेथलहम की तरफ जा रही है धीरे-धीरे बढ़ती हुई यस स्लॉचस टुवर्ड्स बेथलहम टू बी बोर्न और पुनर्जन्म के लिए सेकंड कमिंग के लिए कहां पर जा रही है बेथलहम की तरफ तो ये दोस्तों यहां तक पोयम आपकी फिनिश होती है स्लॉचस टुवर्ड्स बेथलहम टू बी बोर्न बेथलहम की तरफ धीरे-धीरे हल्के कदम वो भारी वाले जिससे पृथ्वी भी हिलने लगती है उन कदमों से ये जो स्प्रिट है जा रही है पोयम इज और अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको यहां पर कोई भी समस्या है एनी इशू गाइज इफ यू हैव सो देन डेफिनेटली मुझसे बताइए मुझसे कहिए आई एम हे विद यू सर पोयम का फ्लोक का साथ बह गया अच्छा बिल्कुल देखिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मेरा तरीका यही है मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मन हृदय और आत्मा से अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा टू वर्ड्स मेरे बैकग्राउंड में एक एनिमेशन होता और वो एनिमेशन देख करके मैं आपको भयानक से डरवा देता है ना तब पता चलता आपको कि क्या बात है सर स्प्रजस मुंडी एक बार फिर से बता दीजिए ऐश्वर्या निषाद जो ये यह यहां पर वर्ड है ना स्प्रिटेस मुंडी बस ये समझिए कि जैसे हमारा जो माइंड है तो हमारा हमारे माइंड में क्या होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस जैसे हमने कहा कलेक्शन ऑफ इमेजेस है ना तो जैसे मैंने आपसे कहा एप्पल जैसे मैंने कहा एप्पल मैंने आपसे कहा रोज मैंने आपसे कहा हेयर मैंने आपसे कहा टी शर्ट मैंने कहा डिजिटल पेन तो जितनी बातें मैंने कही आपके माइंड से ऐसे इमेज निकल के आ जाती होगी फटाफट यू नो जैसे मैं जो जो बोलता जाता हूं एक इमेज निकल के आती है ना सो स्प्रिटस मुंडी इज द यू नो गाइस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इमेज ये सिंबोलिकली लिया गया है कि स्प्रिटस मुंडी क्या है स्प्रिट्स की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिट्स की क्रिएचर्स की बहुत सारी इमेजेस और उन इमेजेस में से डब्ल्यू बी कहते हैं कि मेरे माइंड में ये वाली इमेज आई मेरे माइंड में ठीक यस yes. जो मेरे माइंड में आई तो वो ये वाली इमेज है है ना यस दिस वन इमेज तो अब आप समझ गए होंगे कि ये स्प्रिटस मुंडी क्या है इज देयर एनी अदर क्वेरी हाँ गुड इवनिंग एवरीबॉडी अगर आपको कुछ और भी पूछना हो सो डेफिनेटली यू कैन आस मैं आपके साथ हूं और ये पूरी पोयम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है अच्छा एक और चीज है जो मैंने अभी छोड़ दी थी नहीं बताई आपको तो मैं बता दूं आपको कि ये जो थियरी ऑफ जायर है ये जो वर्ड देख रहे हैं ना जायर ओके थियरी ऑफ जायर तो ये थियरी ऑफ जायर इट कम्स फ्रॉम डब्ल्यू बी एस इट कम्स फ्रॉम डब्ल्यू बी एच एस द वीजन द वीजन गाइज एक इन्होंने ऐसे टाइप लिखा था द वीजन और द वीजन से इनका जो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ जायट यहीं से आता है द वीजन से ठीक है यस yes. सेरेमनी ऑफ इनोसेंस यहां पर जो एक वर्ड यूज किया गया है ना देखिए है ना ब्लड टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डॉन सेरेमनी ऑफ इनोसेंस की जैसे आप देखते हैं कि जो इनोसेंस होते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं तो उनको क्या किया जा रहा है एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डॉन की जो इनोसेंस है उनको क्या किया जा रहा है दबाया जा रहा है सेरेमनी मतलब जो डेली की उनकी क्रियाएं हैं एक्टिविटीज है या कोई ऐसा इनोसेंट आदमी जो ये कहता है कि ऐसा करना गलत है वैसे आदमियों को क्या किया जा रहा है उनका दमन किया जा रहा है उन्हें दबाया जा रहा है। the of drawn, the best lack all conviction. जो अच्छे लोग हैं उनके पास कुछ नहीं वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी और जो बुरे लोग हैं वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं एक ये दीजन करके इनका वर्क है वहां से थियरी आई है ये मैंने आपको बता ही दिया है चलिए तो कैसा लगा आज की, आज की की क्लास आपको आई होप सो अच्छी ही लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पोयम एक अच्छे वे में समझा दूं आप इसे फ्लो में देखिएगा अगर किसी को ना समझ में आई हो सो वंस आप प्लीज फ्लो में देखिएगा आपकी एग्जाम में अगर क्वेश्चन कोई आता जैसे इंपॉर्टेंट

कि उसकी जो दृष्टि थी थी बहुत ही भयानक थी है ना यस स्प्रिटस मुंडी ये वर्ड कहां पर यूज किया गया है जायर कहां पर नजर आती है है ना यस एंड एंड ब्लैंक द सन ऐसा पूछ सकता है ठीक है ना अशेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन कौन सी इमेज है ये इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ठेक सही है ना रतन प्रताप सिंह टीजीटी के नोट्स आज अनाउंसमेंट होगा बी बट टीजीटी की ये क्लास नहीं है दिस इज द क्लास ऑफ यूजीसी नेट ओके सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग यूजीसी नेट देखिए जो क्लास जिसके लिए होती है वो क्लास उसी वाली में बात करता हूं आपसे है ना यस yes. तो चलिए फिर क्या है बहुत कुछ हो गया आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी बहुत सारी बातें हो गई बहुत सारा हमने पढ़ लिया और फाइनली मैं आपसे कहूंगा कि देखिए मैं आपको अन अकेडमी दी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ अगर आप चाहें तो आप मेरी क्लासेस अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर देख सकते हैं और अन अकेडमी दी लर्निंग ऐप पर देखने के लिए वॉट यू हैव टू डू आपको गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये डाल करके आपको साइन इन कर लेना है जब कोड पूछे तो राजवीर लाइव लगा देना है राजवीर लाइव अगर ये कोड आप लगाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी एंड देन आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी ऐप पर मुझे फॉलो करके अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी आप मेरी क्लासेस नहीं देख पाएंगे सो प्लीज फॉलो मी देयर सो दैट यू कैन वॉच माई फ्री स्पेशल क्लासेस अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम देन यू कैन परचेज पेड कोर्स ऑन अन अकेडमी दर्निंग एप दोनों पेपर मिलेंगे पेपर वन एंड पेपर टू दोनों पेपर मिलेंगे आपको है ना यस विशाल

हमारी टीम होगी वो आपका ट्वेंटी फोर इंटू सेवन डाउट सॉल्व करती है ठीक है ना यस yes. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी अभी इन्होंने एक बात कही है ये गाइड चार्जेस है अन अकेडमी के जो अगर आप पेड कोर्स लेते हैं फ्री कोर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं देना होता मैं बात कर लेता हूं क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि इसफिनिक्स भी है, है ना जो स्पिनिक्स की आपने बात किया है ना तो स्पिनिक्स का जो बॉडी है वो लायन वाली है बॉडी कैसी है बॉडी जो है वो लायन वाली है ठीक है ना सो so, जो गाइज बॉडी है ना तो बॉडी लायन वाली है है ना और बॉडी के अलावा जो यू नो कि जो हेड है उसका जो हेड है तो हेड उसका एक लेडी वाला है है ना और यहां पर क्या कहा गया है हेड ऑफ अ मैन यहां पर कहा गया है हेड ऑफ अ मैन तो स्पिनिक्स से अलग हो गया ना ठीक वो स्पिनिक्स से अलग हो गया ठीक है आई होप चो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि यहां पर बॉडी ऑफ लायन एंड कुछ इस तरह से है और जो यहां पर दिखाया जाता है तो वो एक लेडी दिखाई जाती है स्पिनिक्स में क्लियर है जो भी मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज सर इंग्लिश ऑनर्स छोड़ के साइकोलॉजी लेने का ख्याल आ रहा है क्यों नहीं अब आपका ख्याल है भाई आपके ख्याल का स्वागत है? है ना दिमाग खराब हो रहा है वाई नॉट सो अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो भाई जो मन करे आत्मा और मन हमेशा आत्मा और मन के कहने पर चला कीजिए अगर आत्मा और मन कहे कि ये किया जाए ये ना किया जाए सो डेफिनेटली कीजिए है ना और एक बात एक गाना भी है कि मन के कहिए मत चलियो ये जीते जी मरवा देगा ठीक मन के कहिए मत चलियो ये जीते जी मरवा देगा तो भाई साहब अगर मन के कहे चलेंगे ना तो जीते जी मरवा देगा तो जीते जी भाई हमें तो जीना है और आपको भी जीना है तो फिर क्या दिक्कत है कोई और डाउट हो सो डाउट आप अपना सॉल्व करवा सकते हैं बाकी मैं दो चार मिनट और हूं अभी आपके साथ लाइव सुन लिया ना मन के कहिए मत चलिए ये जीते जी मरवा देगा तो भाई जीते जी मरवा देगा तो मरवा देगा फिर क्या बाकी आपने पढ़ाई है सेकेंड कमिंग कितनी बढ़िया पोयम है इससे अच्छी पोयम आपको मिलेगी क्या कहें आप अगर कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि कलेवा लेकर के भी ढूंढोगे तब भी ना मिलेगी तो इतनी अच्छी पोयम और मेरे जैसा एक्सप्लेन करने वाला इतने गंदे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ना सो so, थोड़ा सा वाटर हो जाए हाँ तो वही तो मैं बात कर रहा था इतने बुरे तरीके से तो किसी ने एक्सप्लेन किया ही नहीं होगा मैं एक्सप्लेन कम कर रहा था डरा रहा था आपको है ना चलिए कोई नहीं भाई अब सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं अपनी अपनी दिक्कतें हैं ज्योति वार्स ने क्यों आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी आपका कमेंट बिल्कुल दिख रहा है देखिए अभी आपने कहा आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो कोई बात नहीं है बाद में देख लीजिएगा जो लोग नहीं देख पाए तो इस क्लास के एंड के बाद कल भी ये क्लास पड़ी रहेगी परसों भी क्लास पड़ी रहेगी जब चाहोगे आप तब देखेंगे बस देखिए जैसे कोई टॉपिक पर मेरी क्लास देखना हो तो यूट्यूब पर सर्च करने का एक अच्छा तरीका होता है कि YouTube पर सर्च करने का तरीका यह है कि जैसे सर्च बॉक्स पर आप क्लिक करते हैं तो सर्च बॉक्स में यहां पर आपको क्या लिखना होता है वो मैं आपको बता देता हूं इस सर्च बॉक्स में हमेशा वो लिखना होता है जो आप पढ़ना चाहते हैं जैसे आप मेरी सेकेंड कमिंग पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए सेकेंड कमिंग बाई ए के एस राजवीर ए के एस और राजवीर अगर ऐसा आप लिख देंगे तो भरोसा कीजिए कि आपको मेरी पढ़ाई पोयम ही आएगी यह सर्च करने का इस स्टाइल है हां मेरा एक्सप्रेशन अगर आप नोटिस कर रहे थे तो समझिए मेरा एक्सप्रेशन होता है बड़ा खतरनाक ये देखिए सही तरीका ये सर्च करने का जैसे सेकेंड कमिंग पढ़ना है अब मान लीजिए आपको पढ़ना था आ... टिंटर्न एबी तो ऐसे टिन टर्न एबी लिख डालिए है ना फिर आपको अगर कोई और पोयम पढ़ना है जैसे ग्रेसियन अर्न तो ग्रेसियन अर्न लिख डालिए जो भी मतलब पढ़ना होता है उस वो टाइटल लिख दिया जाता है ग्रेसियन अर्न बाई एके एस राजवीर यह सबके लिए कॉमन ये कॉमन ठीक है आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन लेट मिलता है तो चैनल है ना ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हिट द बेल आइकॉन क्लिक क्लिक हिट द बेल आइकन एंड देन डायरेक्टली आप कभी भी जब भी मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक फ्राइडे हर एक फ्राइडे और सैटरडे को दो दिन मेरी क्लास सिक्स पीएम इसी चैनल पर मिलेंगी सिक्स पी एम अन अकेडमी लाइव एन टी एट दिस इज द नेम ऑफ द चैनल यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ तो इसी चैनल पर आपको सिक्स पी एम फ्राइडे और सैटरडे दो दिन दो क्लासेस आपको मिलेंगे ठीक और अभी कल संडे है ना तो कल मैं संडे को भी लेने वाला हूं इसी चैनल पर आऊंगा मैं संडे में इसी चैनल पर यही यही वो जगह होगी जहां पर आप मुझसे पढ़ पाएंगे एक नई पोएम ओल्ड टू अंगल इस पोयम को अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने पोयम ही नहीं पढ़ी ओ टू अ नाइटिंगेल कल मैं 6 पीएम इसी चैनल पर फिर से लेकर आऊंगा तो अगर आपका मन करे अगर आपकी आत्मा करे तो डेफिनेटली सर हमें भी अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल ऑल को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन पे ऑल ठीक है हाँ। पर सर 17 बजे लिखा था तो इसका मतलब था पांच बजे होता है नहीं 5 पीएम नहीं ये 6 पीएम लिखा रहा होगा 17 हो सकता है भाई कभी गलती से इधर उधर हो गया हो लेकिन वैसे चलिए कोई नहीं देख लेते हैं हाँ तो ठीक है बस आज की क्लास के लिए इतना ही और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार मेरा और शुक्रिया सभी लोग आप मेरी क्लास में आए है ना और ऐसे ही आप अपना लव एंड सपोर्ट यूट्यूब पर लिखा था सर आज देखे थे अच्छा अच्छा मुझसे लाइव पढ़ने की बात ही अलग है तब कोई बात ही नहीं है ना थैंक यू सो मच गाइज गुड नाइट एंड टेक केयर और इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें नेक्स्ट डे 6 पीएम ऑन दिस वन यूट्यूब चैनल ऑन सेम यूट्यूब चैनल और तब तक आप इंजॉय करते रहिए और मैं बोलूंगा आपसे जय हिंद अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए एंड बाय गुड नाइट एंड टेक केयर